रहेंगे चिदंबरम। तो बड़ी खबर, बड़ा फैसला जिसका इंतजार था, 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे पी चिदंबरम। इंतजार इसी बात को लेकर किया जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि 4 दिन की रिमांड पर भेजा जा सकता है। आज 22 तारीख है, 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे पी चिदंबरम। तो सीबीआई की कस्टडी में पी चिदंबरम रहेंगे, जिस तरह से तर्क दिए गए, अपनी बात यहां पर रखी गई, हालांकि मजबूती से पक्ष यहां पर रखने की कोशिश कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी की कि इन्हें जमानत मिल जाए और रिमांड पर ना भेजा जाए, लेकिन 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में अब रहेंगे पी चिदंबरम। आ ही गया आखिरकार फैसला, जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, हालांकि करीब 1 घंटे पहले ही सुनवाई यहां पर खत्म हो चुकी, अभिषेक मनु सिंघवी भी रवाना हो चुके थे, इंतजार इसी बात को लेकर था कि आखिर फैसला क्या देती है कोर्ट। चिदंबरम मामले में सीबीआई कोर्ट का यह अहम फैसला सामने आया है, जहां 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में अब पी चिदंबरम रहेंगे। 5 दिनों के सीबीआई कस्टडी में चिदंबरम रहेंगे और अभी से सीबीआई कस्टडी में पी चिदंबरम को भेजा जाएगा। 26 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, हालांकि 5 दिन की कस्टडी यहां सीबीआई ने मांगी भी थी, डिमांड भी की थी, क्योंकि कई ऐसे सवाल है, कहना उनका यह था कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि तर्क यही दिया गया कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि बार बार सवाल किया जाए और उसका जवाब ना देना ये अपना अधिकार है, लेकिन जो जवाब दिया गया है आपके हिसाब से ना हो और आप उसे ये कहें कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूछताछ में साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है, लेकिन इसी का हवाला दिया गया था। और ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं, रिमांड पर हैं पी चिदंबरम, 5 दिन के रिमांड पर, 26 अगस्त तक की रिमांड पर सीबीआई कस्टडी में अब रहेंगे पी चिदंबरम। पूछताछ उनसे की जाएगी, जिस तरह से रिमांड की बात यहां पर कही गई सीबीआई की तरफ से, और 5 दिन की रिमांड यहां पर मांगी भी गई थी। तो इस बीच ये बड़ी खबर, जब 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर अब भेजे गए हैं पी चिदंबरम, कोशिश बहुत की अभिषेक मनु सिंघवी ने, कपिल सिब्बल ने, यहां जमानत हो सके, कहा यह भी गया कि जो आरोपी है, आरोपियों की जो लिस्ट है, जो नाम है, उसमें पी चिदंबरम का नाम शामिल नहीं है, कार्तिक चिदंबरम का नाम शामिल है। जब आरोपियों को जमानत मिल चुकी है तो फिर पी चिदंबरम को भी जमानत दी जा सकती है, जबकि उनका नाम नहीं है आरोपियों की सूची में। तो रिमांड पर चिदंबरम है, 26 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगे पी चिदंबरम, जिनसे पूछताछ करेगी सीबीआई। 26 अगस्त तक की सीबीआई कस्टडी में अब भेज दिया गया है पी चिदंबरम को, और यह अहम फैसला सीबीआई कोर्ट का, हालांकि फैसले को सुरक्षित रखा गया था।